वर्ष पहले उत्तराखंड पुलिस की हुई नियुक्तियों के बाद 9 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 161 जवान पुलिस में शामिल हो गए हैं। इसी को लेकर आज एसडीआरएफ वाहनी जौली ग्राउंड में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें दीक्षांत परेड समारोह में पास आउट होने वाले नागरिक पुलिस के 161 रिक्रूट जवानों ने भाग लिया। बता दें कि 9 महीने में 14 दिन की कठिन ट्रेनिंग के बाद ये जवान उत्तराखंड पुलिस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ शस्त्र प्रशिक्षण, न्यायालय कानून और साइबर क्राइम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अब ये जवान उत्तराखंड पुलिस में अपना अहम योगदान अदा कर सकेंगे। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने इन जवानों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा, उत्तराखंड डीआईजी राजकुमार नेगी भी मौजूद रहे। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम ये देख पा रहे हैं कि भैया की परेड आज हमने देखी, और उनकी ख्वाहिश थी कि इस मोमेंट को जी पाए और हम भी हुई हैं उसके कारण से जरूर पुलिस बल मजबूत होगा। और आज की ये जो भव्य दीक्षांत परेड थी उसमें सारी व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट इन्हीं प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया था, जिससे कि इनकी लीडरशिप की भी जानकारी हमें मिली और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने इस परेड को संपन्न कराया। आरक्षी उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे अन्य स्थानों पर भी हमारे आरक्षी आज ही के दिन उत्तीर्ण होकर पुलिस सिस्टम में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब इलेक्शन के टाइम में हम इन लोग सब का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे इलेक्शन टाइम में काफ़ी अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे हमारे फोर्स को, और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने में इनकी मदद मिलेगी।